तो दोस्तों यहाँ पे क्विक हिल टेक्नोलॉजीज के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 52% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 105 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 196% का ग्रोथ, यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 39.7 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर भी 64% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। यानी कि अगर पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपये था तो अभी सीधा 164 रुपीज़ हो गया है। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी बहुत अच्छा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 39.7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट 7.9 करोड़ था। तो यानी कि अराउंड 5 times यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो। तो यहाँ पे रिजल्ट एकदम आउटस्टैंडिंग है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है मार्केट इसको बहुत पसंद करे। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 4 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 400 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। अब ये देखिए 1217 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2.11% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। तो अराउंड उतने परसेंट भी यहाँ पे अभी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में अभी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी हमको यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है इसके बाद इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 10 निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव ये नज़र आता है। तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए ये बुलिश रह सकता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू आप देखोगे अराउंड 10% गिरा था, लेकिन जो रिकवरी अभी हमको देखने को मिली है ये पूरे साल की रिकवरी इन्होंने एक ही क्वार्टर में दिखा दी है। और जो टोटल प्रॉफिट पिछले साल था 74 करोड़ और अभी अराउंड 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को एक ही क्वार्टर में आ गया। तो ये बता रहा है कि इस कंपनी में कैसे कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब इसके बाद देखिए 189 रुपीज़ पे यहाँ पे क्विक हिल टेक्नोलॉजीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और जो 404 का इसका हाई था, यानी कि जो प्रॉफिट यहाँ पर हमको गिरता हुआ नजर आ रहा था वो इसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर इन है, क्योंकि 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से बात करें तो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, ज़्यादा गिरने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और अभी कंपनी ने 250 रुपीज़ पर बायबैक भी अनाउंस किया था। तो अगर हम बात करें 250 रुपीज़ से बायबैक की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी ये शेयर अभी आपको 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो ऑल ओवर यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं बने रहिए, अगर आप लॉस में हैं तो मेरे ख्याल से एवरेज डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस प्राइस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव ये नज़र आता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवरेबल है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडी एंड शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं तो मेरे ख्याल से अराउंड इस वीक के अंदर मेरे ख्याल से ये 220 या 230 के लेवल तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए। अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो मेरे ख्याल से 250 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बाय चांस मार्केट अगर डाउन रहता है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी वीकनेस फिर यहाँ पर भी आपको नजर आ सकती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि क्विक हिल टेक्नोलॉजीज के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।